सो हाय गाइस, कैसे हो? तो देखो, आज हम लोग फाइनली करने वाले हैं क्या, फॉर्म फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लोग ऑलरेडी नोटिफिकेशन पढ़ चुके थे एनटीए का, क्या क्या वहां पर करना था, सारा कुछ हो चुका है, सारा डॉक्यूमेंट लेके बैठा हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग अभी देखो आराम से, प्यार से, आराम से धीरे धीरे फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो देखो, सबका वेबसाइट ऑलमोस्ट खुल चुका होगा क्योंकि मेरा वीडियो पे बता चुके थे कैसे खोलना है, ठीक है। इसका नहीं खोल रहा अभी भी, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट पेंडिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो देखो, सबसे पहले जिसका इसका खुल रहा है तो उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर मांगेगा एंड पासवर्ड मांगेगा। सो अपने पासवर्ड सेव रखा होगा एंड एप्लीकेशन नंबर सबके पास होगा, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिल करो एंड पासवर्ड यहाँ पर डालना है। पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे भी जो भी पासवर्ड डालते हैं। एंड देन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है, ये कैसे सेटिंग है, यहाँ पर आराम से सिक्योरिटी पिन को सही से डालो। डालने के बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर काइंडली प्लीज साइन इन कर। हो गया साइन इन, सब हुआ ठीक। अब साइन इन के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन पेज खुलेगा जिसमें ऑलमोस्ट हम लोगों को दिखेगा व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, व्यू रेसिपिएंट, ये सारा दिखेगा। एंड देन उसके नीचे एप्लीकेशन स्टेटस में रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड, एप्लीकेशन अचीवमेंट, ये सारा कंप्लीटेड ही आएगा। आ रहा है सबका ठीक, ओके। सो यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पहला ऑप्शन में आ रहा है, ये डाउनलोड अभी नहीं करना है। ये अभी डाउनलोड नहीं करना है, क्यों? अगर अभी हम करेंगे तो हम लोग का जो फेज वन का रजिस्ट्रेशन का आया तो वही आएगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी डाउनलोड नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखो थर्ड में, करेक्शन कम फिलिंग ऑफ फेज टू इन एप्लीकेशन। तो फेज टू का करेक्शन कम फेज टू एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो यहाँ पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज में जाना, ठीक है। तो ध्यान रखना है अभी कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड नहीं करना है, राइट, नेक्स्ट पेज में आते हैं। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में खुलेगा कि यहाँ पे तुमको हम लोग को दिखाएगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सो देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी नहीं डालना है, ठीक, यहाँ पर नहीं डालना है क्योंकि ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्लिक करते रहेंगे, नहीं डालना है, ये ऑटोमेटिकली मेंशन किया हुआ है। तो अपना फोन पे चेक करो, फोन पर ऑलरेडी ओटीपी आ चुका होगा, कुछ यहाँ डालने का जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा, दिख के लग रहा होगा डालना है, कुछ डालना नहीं है, फोन पे ओटीपी आ गया होगा, चेक करो फिर रिस्ट का ओटीपी है, फिल करो फटाफट, चलो हो गया फिल, ओके, फिल करो, वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन, क्लिक करो, हो गया। सो अब देखो ये तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका होगा, एक बार स्क्रॉल करके पूरा चेक कर सकते हो, जो जो कुछ कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल किया हुआ है वो तो करेक्शन करना है, तो ऑप्शन आया करेक्शन करने का खर्च, और जो नहीं करना है, जो नया फील करना है, उसको लाइन बाई भरते जाना है, ठीक है। चलो देख लेते क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मांगा हुआ है, क्या क्या ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। जैसे कि देखो सब करेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, पहले ही हम पिछला वीडियो में बता दिए थे सब का करेक्शन नहीं आएगा, कुछ कुछ आएगा, जेंडर आएगा, एड्रेस आएगा, नेशनलिटी आएगा एंड एडुकेशनल डिटेल्स में ही करेक्शन होगा एंड बाकी रेस्ट में नहीं होगा। तो जो करेक्शन होने का है वो ऑलरेडी दिख जाएगा कि हाँ यहाँ से हो सकता है, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर जिसका जिसका रेस्पेक्टिवली खुल चुका है तो वहाँ पर ऑलरेडी अपना अपना एप्लीकेशन नंबर एंड कैंडिडेट नेम दिख चुका होगा, टॉप मोस्ट में देख लो, दिख रहा है ना, दिख रहा है सबका। चलो नेक्स्ट, कैंडिडेट नेम ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ ये सारा फिल किया हुआ रहेगा, जेंडर फिल किया रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी में करेक्शन होगा, करेक्शन करना है तो चेक कर लो, करेक्शन कर लो फटाफट, ओके। डायबिटिक वगैरह सब डाल चुका होगा। सो यहाँ पे एडुकेशनल डिटेल्स डालना होगा, 10th का डालना है, 11th का डालना है एंड 12th का डालना है, राइट। सो देखो 10th का और तो कोई डाला नहीं था, तो यहाँ पर 10th का मांग रहा है, 10th का डाल देना है, 10th का स्टेटस पास, नॉट पास, ठीक है, अपीयरिंग ईयर ध्यान से डालना है, ठीक है, क्वालिफिकेशन कोड, जो कोड है अपना 1 2 3 4 5 सबको पता है कोड, फोन रजिस्ट्रेशन में डाल चुका है, राइट, ओके। सो कॉलेज टाइप जो भी अपना कॉलेज था अपना डाल लेंगे, ओके, क्वालिफिकेशन स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ओके, सीक्वेंस में डालना है, ऐसे नहीं किसको डाले इसको डाले, सीक्वेंस में डालते रहना, सब कुछ ऑप्शन अपने आप खुलते रहेगा, आराम से हो जाएगा, 5 से 10 मिनट लगेगा फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्कूल बोर्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, रोल नंबर, देखो 10th का जो अगर सेम स्कूल से किया होगा रोल नंबर वही होगा,
12 का 11 का सबका रोल नंबर सेम होगा, 11 का वो क्लास वाला रोल नंबर नहीं डालना है, बताएंगे आगे। चलो हो गया राइट। चलो 10 का कॉलेज का नहीं डालना, 11th में काफी बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है कि 11th में क्या करें, 11th में क्या करें, कोई कॉलेज से पढ़ा है, 11th का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, रेगुलर स्कूल में है तो ठीक है, बहुत दिन का तो है भी नहीं, घूम चुका है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है रिलैक्स करो यार, टेंशन मत लो। ठीक है 11th क्या करना है, देखो स्कूल के पास डिटेल तो होता है, स्कूल के पास जाओ डिटेल मांगो, स्कूल दे ही देगा, सबके पास रिकॉर्ड होता है, टेंशन मत लो। ठीक है आराम से भरना है, पास ही सब हुआ होगा 11th में, तभी 12th में आया हुआ होगा, तो पास स्टेटस डालो। ठीक है अपीयरिंग ईयर डालो, एक साल पहले के अपीयरिंग हो तो बाकी अगर कुछ आगे पीछे है तो देख लेना अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है ओके ठीक है। क्वालिफाइंग कोड, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, ओके डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो 11th का वही है, बस रोल नंबर पे ध्यान देना सेम स्कूल से है तो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होगा, वही रोल नंबर भी सेम होगा, हिसाब से अपना देख लेना डाल देना। ठीक है 11th में इतनी क्लास का रोल नंबर डालेंगे 41 51 52 जो भी वो नहीं डालना है। ठीक है राइट। 12th का क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सब डाल ही चुका है, फिर भी एक बार चेक कर लो, कंफर्मेशन डालना है जो भी है, जो भी बोर्ड है, स्कूल ऑफ प्लेस, स्कूल डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ठीक 12th का क्वालिफिकेशन डाल दो। देखो यहाँ पर इसका बात है, 12th का क्वालिफिकेशन डालने के बाद ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है इंग्लिश प्लस पीसी भी मांग रहा है। ठीक तो इंग्लिश प्लस पीसी भी यहाँ पर डाल रहा है, कोई अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री है या ज्यादा मार्क्स के लिए किया है कुछ भी है अगर, तो यहाँ पर वो मार्क्स डालना है। सपोज इंग्लिश में जो मार्क्स है टोटल मार्क्स डाल दो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब यही करना है। ठीक ओके चलो। एड्रेस में करेक्शन होगा बोले थे, तो अभी भी करेक्शन चेक कर लो अगर ऑप्शन में है तो, यहाँ से हो जा रहा है करेक्शन की, ईमेल आईडी वगैरह करेक्शन होगा अपडेट होगा कर लेना है, मोबाइल नंबर वगैरह अपना अपना डाल लो। ठीक यहाँ पर देखो पेरेंट्स इनकम डिटेल, ये देखो यह सब पेरेंट्स इनकम डिटेल में सबके नीचे में ऑप्शनल लिखा हुआ है, डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। ठीक है तो गार्जियन का वो जो 90% तो डालेगा नहीं, गार्जियन क्वालिफिकेशन के गार्जियन ऑक्यूपेशन में क्या डालेगा। ठीक है पेरेंट्स का देख लो, फादर मदर है जो भी डालना है अपना रिस्पेक्ट हिसाब से देख के डाल लो। यहाँ पर इंटरमीडिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है मदर्स के लिए, या फिर इंटरमीडिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट करो या मेट्रिकुलेशन करो। ठीक है अगर उससे भी कोई देख लो जो ऑप्शन हिसाब से अपना डाल देने का। ठीक है चलो यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन आएगा, सिक्योरिटी पिन को डालो एंड देन फाइनल सबमिट, डालने के बाद सबमिट करो, सबमिट करने के बाद हमारा स्क्रीन कुछ ऐसे पॉपअप आएगा, ओके फाइनल सबमिट करो एंड देन फॉर्म फिलअप हो चुका होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड कर लो अपना कंफर्मेशन पेज, हो जाएगा। ठीक है और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा है तो ठीक है टेंशन मत लो, इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे आराम से। वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, एजुकेशन रिलेटेड किसी भी तरह का इशू हो, प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर 110% सॉल्यूशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट करना, बस भी कमेंट करना एंड आई विल सी यू द कमेंट, एक एक का कमेंट देखेंगे एंड रिप्लाई करेंगे, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि फाइनल सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है ओके गाइस ऑलरेडी के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।